अमृता फडणवीस रिश्वत मामले में बड़ी खबर सामने आई है। अमृता फडणवीस रिश्वत मामले में बुकी अनिल जयसिंघानी की जमानत अर्जी दरअसल खारिज कर दी गई है। मुख्य आरोपी अनिल जयसिंघानी ने समता के आधार पर जमानत मांगी थी, क्योंकि इस मामले में सह आरोपी उसकी बेटी अनिक्षा जयसिंघानी को जमानत दे दी गई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को कथित तौर पर ब्लैकमेल करने और उनसे रिश्वत मांगने के मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत ने संदिग्ध बुकी अनिल जयसिंघानी की जमानत याचिका शनिवार को आज यानी खारिज कर दी। मुंबई पुलिस ने जयसिंघानी को 20 मार्च को गुजरात से गिरफ्तार किया था। जयसिंघानी ने अदालत को यह कहते हुए जमानत की गुहार लगाई थी कि मामले में सह आरोपी उसकी बेटी अनिक्षा को जमानत दे दी गई है। यही नहीं, जमानत अर्जी पर बहस के दौरान अनिल जयसिंघानी के वकील ने अपने मुखवकील की चिकित्सीय स्थिति का भी हवाला दिया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वकील जयसिंघानी को जमानत नहीं मिली है। उनकी जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन उनकी सह आरोपी इस मामले में सह आरोपी उनकी बेटी को जमानत दे दी गई है।